Good morning, students. Today we will discuss regarding the epithelial tissue. Okay. First of all, are different types of the epithelial tissue. On the basis of their arrangement and shape, they are of two types. किसी चीज का classification करना है, it should must have any basis. किसी ना किसी चीज के बेसिस पे करेंगे भाई, इस बेसिस पे सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर हमने कौन सा लिया बेसिस? देयर अरेंजमेंट, वो किस तरह से अरेंज है, मींस सिंगल लेयर्ड है या मल्टी लेयर्ड है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर शेप, इनका शेप कैसा है, राइट? सो देयर आर टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर मींस सिंगल सेल की एक लेयर गई है, दिस इज सिंपल एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम मोर देन वन सेल थिक, एक सेल से ज्यादा की थिक लेयर जाती है, टू लेयर्स, थ्री लेयर्स या फोर लेयर्स की सेल्स होती है इसमें. देन अगेन अकॉर्डिंग टू द शेप, तो देखो ओवरऑल जितनी भी एपिथेलियम है हम इनको अरेंजमेंट के भी अपने टू फ्रैक्शन बांटेंगे, उनमें से हो जाएगा सिंपल और कंपाउंड. अब अगर शेप की बात करें तो शेप बेसिकली थ्री है, कौन कौन से हैं? एक तो स्क्वायमा, यू नो स्क्वायमा रिया नैन्सी, अगर आप लोग वीडियोस ऑन करते हैं एटलीस्ट आई शुड वॉच यू व्हेदर यू आर लिसनिंग योर नॉट, आपको कुछ चीज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? सर मेरा कैमरा जूम पे है. स्क्वायमा इज प्रेग्नेंट, एक पत्थर होता है ना जो फुटपाथ में बिछाया जाता है ना, साइड में थोड़ी से पत्थर और बीच में हल्का सा उठा हुआ सा एक रेक्टेंगल से, ठीक है? तो किसी का होता है वो देयर द फ्लैटेंड एंड एस्क्वामस इन शेप और जस्ट लाइक द पैग्नेंस, सो देयर आर कम देयर द एस्क्वामस एपिथेलियम. सम हैव क्यूब लाइक शेप, सो देयर आर कम देयर द क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूब में लेंथ एंड ब्रेथ अप्रोक्सीमेटली सेम होती है ना? एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कॉलमनर. कॉलमनर मींस लेंथ इज मच मोर लॉन्गर देन द ब्रेथ, या उसका जो हाइट है वो ब्रेथ से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है ना? बेसिकली इन थ्री शेप हो गए. अच्छा, इसके अलावा हो सकता है कि इन सेल्स में सीलिया पाए जाते हैं, एंड इफ द सीलिया आर प्रेजेंट देन दे आर कम एज द सीलिएटेड एपिथेलियम, राइट? ठीक है ना? तो बेसिकली ये थ्री या फोर टाइप्स के शेप सेल्स. अब इसी को लेकर हम चलेंगे, तो अगर देखा जाए तो जो सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम में भी हमारे पास में स्क्वामस एपिथेलियम होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम, राइट? आप लोग बेसिकली ये जो देख रहे हैं सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, राइट? तो सिंपल एपिथेलियम तो सिंगल लेयर है. सिंपल एपिथेलियम इज सिंगल लेयर एंड फंक्शन एज ए लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज. जो भी बॉडी कैविटीज है या डक्ट है या ट्यूब्स है, इनकी लाइनिंग मतलब इनके दीवाल का फॉर्मेशन करती है, जो गॉड ऑफ द लाइनिंग, राइट? यही जगह हम बात करें क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, सो दे आर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर्स एज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन अवर स्किन. प्रोटेक्टिव कैसे? जस्ट एज्यूम आपका स्किन कैसा है, ये एपिथेलियम, लेकिन सिंपल या क्यूबॉइडल. मैंने आपको बताया था व्हेन यू आर गोइंग टू द टेक बाथ, या अगर आपस में झगड़ा तो पता नहीं ये स्किन हमारे हाथ में जाएगी और पूरा मांस और ब्लड रक्त सब बिजनेस हो जाएगा, सही बात है ना? आप कितनी बार ऐसे हाथ रगड़ते हैं, पता चला कि आपने वार्म अप करने के लिए ऐसे हाथ पकड़ा
और ये हाथ हमारा गायब, यहाँ पे सिर्फ मसल सब बोल स्लिप रही है, कैसा लगेगा? आपने तो अपना हाथ से कुछ चीज को उठाया, उठा के घर गए और पता लगा आपके हाथ की जो स्किल है वो उस चीज में ही रह गई, सही है ना? तो ऐसा नहीं, तो इसीलिए जहां कहीं भी टियर एंड वियर की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना, वहां पर हमेशा कंपाउंड एपिथेलियम पानी, ठीक, मल्टी लेयर। अब इनका सेप अगर हमने बताया तो थ्री टाइप्स के, तो सेप में हमारे कौन कौन, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर। इनका स्ट्रक्चर देखिए जरा सा, ये बिल्कुल फ्लैटेंड सेल्स है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ईंटे बिछा के रखे गए, राइट। तो ये हमारे हो गए कौन से है, स्क्वैमस, स्क्वैमस मींस पैवेंट, ये चक्कर हुआ फ्लैटेंड, दे आर द स्क्वैमस एपिथेलियम, ओके। नेक्स्ट, यहां पर अगर आप देखिए इन सेल्स को, पिनिका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों लगभग से अप्रोक्सीमेटली से पक्का, उसे हम बोलते हैं क्यूब। आप लोग डाइस खेलते हो ना, लूडो खेलते हो, लूडो, तो लूडो में डाइस खेलते हो ना आप लोग, राइट, वो जो डाइस है वो क्यूब से पौधा, उसे क्यूब भी बोलते हो ना, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम। अच्छा जी, अगर लेंथ और ब्रेथ अप्रोक्सीमेटली सेम हो लेकिन हाइट चेंज हो, देख रहा हाइट कितना ज्यादा है इसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ऐसे भी जिन्हें बोलेंगे कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। अब इन्हीं में से हो सकता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम या स्क्वैमस एपिथेलियम, दे में आल्सो वियर द सीलिया, ये सीलिया दिख रहा है आपको, ये हमेशा टॉप पोजिशन में होते हैं, ठीक है, एंड दे आर प्रोट्रूडेड आउटसाइड द सेल, ये सीलिए सेल के अंदर नहीं होते, सेल के आउटसाइड की तरफ प्रोट्रूड होते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें सीलिया पाया जाएगा, इफ द सीलिया आर प्रेजेंट देन दे आर टर्म्ड एज द सीलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। हियर वी हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ द कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया या सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ओके। देन चलिए, कई जगह पर होता क्या बता कि जो लेयरिंग है दे हैव द फॉल्स लेयरिंग, फॉल्स लेयरिंग का मतलब, अच्छे अच्छे बताइए, इनका न्यूक्लियस अगर देखिए आप, कौन से देखना है, यहां पर जो न्यूक्लियस है वो फ्लैटेंड होगा और सेंटर में होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में होगा सेंटर होगा, ओवल या राउंड शेप होगा, राइट। कॉलमनर एपिथेलियम में मेजॉरिटी न्यूक्लियस दे आर प्रेजेंट इन द बॉटम साइड, ये एकदम नीचे पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर सेंटर में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पर क्या हो कि अगर जो शेप है शेप इरेगुलर हो, यहां पर ये देखिए आप जरा से, यहाँ पर कई अलग अलग तरीके की सेल बनी हुई है, ये सेल लेयर अलग है, देन आफ्टर दिस वन, देन आफ्टर दिस वन, ये इस तरह से बना हुआ है, राइट। तो अगर इस तरह का सेल बना है तब तो आपने कह दिया सर दिस इज द कंपाउंड एपिथेलियम या स्टेटिफाइड, है ना, कंपाउंड एपिथेलियम कई लेयर का बना हुआ है। कई जगह है क्या बेटा, है तो सिंगल सेल ही लेकिन इनकी हाइट अनइवन, तो कोई सेल अगर इतनी लंबी है तो कोई सेल यहां छोटी सी होगी, इतनी लंबी ही होगी, ठीक है। जैसे यहां पर है कोई, तो कोई सेल हो सकता है,
पॉसिबल नहीं हो और एडवर्टाइजमेंट में डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दूंगा आपको, है ना। सपोज ये सेल यहां से लगी हुई राइट, तो इसका न्यूक्लियस कहां पे होगा, यहां पर ये न्यूक्लियस होगा होगा ना। अच्छा सपोज दूसरी सेल हमारी यहां पर बनाते हैं, दूसरी सेल सपोज इसका से लगी हुई यहां से ये लगी, तो हो सकता है इसका न्यूक्लियस यहां पे हो राइट। अगली सेल हमारी है ये यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया, तो बेसिकली अगर देखा जाए है तो सिंगल सेल ही, डबल लेड तो है ना यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर कोई सेल छोटी है कोई बड़ी है, इस वजह से जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो अलग अलग होगी, ठीक है। न्यूक्लियस की पोजीशन अलग अलग होने की वजह से दूर से ऐसा लगेगा कि इसे मल्टी लेयर है ना, स्ट्रेटा मीन्स लेयर, स्ट्राटा STRATA स्ट्राटा, स्ट्राटा मीन्स लेयर और स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स लेयरिंग, लेयर का फॉर्मेशन करना राइट। तो कंपाउंड एपिथेलियम आल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम दूसरा नाम क्या देते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम राइट, क्योंकि कई लेयर है उसमें। और मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया भी यहाँ पर, ये डायग्राम ये देखिए, एक लेयर ये है, नेक्स्ट लेयर नेक्स्ट लेयर, so there have the more than two layers, then they are termed as the compound epithelium or stratified epithelium, clear। yahan par kaise hum kya dikha rahe hain, hai to single layer hi but they have the different size and due to the presence of nucleus in different position they assume like the multi layer, to aisa hota hai jaise multi layer hai but hai single layer, theek hai। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्या बोलते हैं इन्हें, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। राइट। अच्छा अब इसमें अगर देखा जाए तो कंपाउंड एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड हो सकता है और ट्रांजिशनल राइट। स्ट्रेटिफाइड में क्या कर रहा था, मैंने अभी आपको बता दिया ना, स्ट्रेटिफाइड में मल्टी लेयर होंगे, ये स्ट्रेटिफाइड भी कौन कौन हो सकते हैं, दे में भी स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। मैं क्लासिफिकेशन बताऊ, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना, मींस बेसिस इनका क्या है, अरेंजमेंट एंड शेप, तो अरेंजमेंट मैंने बताया और शेप अलग अलग है भाई, हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिकेटेड एपिथेलियम, लेकिन हम जिन टाइप में इसको स्टडी करेंगे तो उसके उतने ही टाइप्स हो जाएंगे, स्ट्रेटिफाइड के तो ये सारे के सारे स्ट्रेटिफाइड में अलग अलग टाइप बना देंगे, ट्रांजिशनल में तो ट्रांजिशनल में कोई अलग से नहीं है। ट्रांजिशनल किसे कहते हैं बेटा, जहां पर दो अलग अलग एपिथेलियम मिल रही हो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था आपके हैंड का, एक तो ये हमारा एपिथेलियम हो गया, दूसरा ये एपिथेलियम हो गया, ये पोर्शन अगर गौर से देखिए, हियर वी हैव द ट्रांजिशनल एपिथेलियम राइट, जहां पर ये सिल और ये आपस में फ्यूज हो रहा है ना, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन है, यहां पर लेस स्ट्रेटिफिकेशन, आप इसको बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं है ना, तो यहां जरा देखो कितना मोटा है, मतलब यहां पर स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा हुआ है, सही बात है। तो ट्रांजिशनल में भी दिलियम हो, कंपाउंड में भी दिलियम में भी, अच्छा इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहां पर अपना ये जो चीक है या चिन्ह है, यहाँ पर स्किन दूसरी है, जैसे यहां से हम लिप की तरफ बढ़ते हैं देखिए स्किन चेंज हो गई, यहाँ एपिथेलियम चेंज हो गया ना। अच्छा अब लिप से अंदर जाइए अपने चीक की तरफ,
वहां देखिए वहां भी चेंज हो गया है, एपिथेलियम चेंज हुआ ना। तो जहां कहीं भी एपिथेलियम में अगर दो या दो से अधिक का ज्वाइनिंग लाइन है, जहां पर मिक्स हो रही है, दैट आर टर्म्ड एज अ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, राइट। वहां पर मोर देन टू टाइप्स की एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है इसमें? चलिए अच्छा, नेक्स्ट। अब हम बात करें फिर से स्क्वैमस एपिथेलियम की, कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम में। तो कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम में दो तरह का होता है, कुछ सेल्स में केराटिन प्रेजेंट होगा, कुछ में केराटिन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अभी आप परेशान नहीं होइएगा, मैं इसका एक पिक आपको सेंड आउट कर दूंगा, तो पूरा क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर आप सब समझिए, ठीक है ना। अगर केराटिन प्रेजेंट है देन दे आर टर्म्ड एज अ केराटिनाइज्ड कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम, और अगर केराटिन एब्सेंट है तो बोलेंगे नॉन केराटिनाइज्ड कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इनका नाम कैसे लेंगे, ये क्लियर हो गया? नैंसी, इनका नाम कैसे लेंगे, वो क्लियर हुआ? यस सर। रिया, क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो बेसिकली है वही दो हमारे, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, लेकिन इनके शेप के भी पर हमको अलग अलग बांट दिया, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर और सिलिकेटेड एपिथेलियम, ठीक है ना। ठीक, तो सिंपल में भी इनके टाइप्स होंगे और कंपाउंड में भी इनके टाइप्स होंगे। नेक्स्ट, नाउ स्क्वैमस एपिथेलियम, इसको एक बार हम इसका रेड आउट कर लेते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ प्लैटिनम सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, इनकी लोकेशन, राइट। अगर हम स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करेंगे तो दे, अभी तक तो मैंने क्लासिफिकेशन बताया। अच्छा, इन्होंने स्टडी क्या क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा इनका स्ट्रक्चर, इनकी लोकेशन और इनका फंक्शन। जितनी भी हमारे टिश्यूज हैं उनमें तीन चीजें पढ़नी है, वन स्ट्रक्चर, सेकंड लोकेशन एंड थर्ड फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम हुई थी, उसमें भी मैं बात करूंगा पहले सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट। सो दे आर कंपोज्ड ऑफ द फ्लैटेंड सेल, सेल रेस्ट ऑन ए थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ना, सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर देन आफ्टर क्या आता है, एपिथेलियम सेल्स आते हैं, राइट। तो ये जो पैबेंट एपिथेलियम है या स्क्वैमस एपिथेलियम है, दे रेस्ट ऑन द थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे आर पॉलीगोनल इन शेप। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, लिखना चाहते हो उसको लिख भी सकते हैं, दे आर पॉलीगोनल इन शेप, द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स आर फ्लैटेंड एंड ऑफ्टन लाई एट द सेंटर ऑफ द सेल्स। इनके न्यूक्लियस कैसे होते हैं, मैंने अभी बताया ना आपको, इनके न्यूक्लियस फ्लैटेंड होते हैं और सेंटर में होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ, लोकेशन में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियल समझते हैं आप लोग, याद है, भूल गया। यहाँ पर जो नेसल पैसेज है, नेसल पैसेज जैसे जाता है हमारा, तो सबसे पहले यहाँ पे फैरिंग्स आता है, फैरिंग्स के ठीक बाद में लैरिंग्स आता है, और वहां से नीचे जो जाता है लंग्स की तरफ, दैट आर द ब्रोंकियोल्स, राइट, ठीक है ना। ब्रोंकियोल्स ये लंग्स का सबसे अपर पार्ट है हमारा, राइट। तो जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है वहां पर भी हमारा क्या पाया जाता है, पैपेंट एपिथेलियम या स्क्वैमस एपिथेलियम। देन इनके अलावा कहां पर, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, तो ब्रोंकियोल्स में पाए जाएंगे,
एल्वियोलाई में पाए जाएंगे. दे आल्सो प्रेजेंटेड अ बोमेंस कैप्सूल, वन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल. यू नो बोमेंस कैप्सूल, आप मुझे इशारा करेंगे मैं समझ जाऊंगा. बोमेंस कैप्सूल, यू रिमेंबर इट, यू कैन रिमेंबर. ओके, यू रिमेंबर द किडनी, किडनी, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन. द अपर कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज बोमेन कैप्सूल एंड दिस इज द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर. याद आया कुछ आपको? राइट, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो वहां पर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में होता है बोमेन कैप्सूल, लूप ऑफ पेनले, पीसीटी, डीसीटी. ये पार्ट्स आते हैं, क्लास 10 में पढ़ा है आपने. कोई नहीं, अगर भूल गया मैं दोबारा आपका रिमाइंड कराया. ये कहां पर जाता है? वन ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है, और कहां पर जाता है? डिसेंडिंग लिंब ऑफ द लूप ऑफ पेनले ऑफ नेफ्रॉन एंड मेम्ब्रेनस लैम्बर. जो इंटरनल ईयर है हमारा, दिस इज द एक्सटर्नल ईयर. ईयर पिन्नी के बाद हमारा एक्सटर्नल ईयर, और इसके बाद में होता है हमारा इंटरनल ईयर. इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में होता है मिडिल ईयर. राइट, तो इंटरनल ईयर में जो मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज मेम्ब्रेना लैम्ब्रेन. ओके, सो दिस मेम्ब्रेना लैम्ब्रेन आल्सो हैव, दे आल्सो हैव द स्क्वामस एपिथेलियम, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, हार्ट, सिनोमिक कैविटीज एंड इरिटेड टेस्टिस. दे हैव द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. दोबारा बोल दूं क्या? अगर लिख लो तो दोबारा बोल दूं. ओके, मैं फिर बोल देता हूं. Terminal bronchioles, alveoli of the lungs, wall of the Bowman's capsule, descending limb of loop of Henle's of the nephron, membrana lamellum, blood vessels, lymph vessels, heart, synovial cavities, and irritated testis. ठीक है, अगर फिर भी छोटी हो बेटा, मैं इस वीडियो को आपको शेयर कर दूंगा. वीडियो को सुन करके फिर लिख जाएंगे, ठीक है ना? और इसके नोट्स भी दे दूंगा, परेशान नहीं होना. देन इन द ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड हार्ट, दे आर टर्म्ड एज द एंडोथेलियम. अब ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, अलग अलग जगह पे इनका नाम अलग अलग हो जाएगा. राइट, तो ब्लड वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में, हार्ट में और सिनोमिक कैविटीज में इसे हम क्या नाम देते हैं? इंडोथेलियम. आप इंडोथेलियम लिख लीजिए, इंडोथेलियम. राइट, जो सिनोमिक कैविटी है, सिनोम में दे आर टर्म्ड एज द मेसोथेलियम. आपको याद है मेसोडर्म मेक द सिनोम, याद है ना? Mesoderm make the sinum, so yes, sir. They are termed as the mesothelium. Next, अगर ये endothelium और mesothelium ये आपस में mix हो जाए पूरा, और एक wave-like structure बनाए, right? Endothelium and mesothelium may become wavy, hence these epithelium are called tessellated. Epithelium. They are termed as the tessellated, TESSELLATED, tessellated epithelium. Okay? So these are the location and their names or terms in different location. Clear? Next, what are their function? मैंने पहले ही बताया कि स्क्वामस एपिथेलियम प्रोटेक्टिव होता है हमारा जितना भी ऑर्गन है, या जो इंटेस्टाइन हो गया, हमारा बॉडी स्किन हो गया, तो ये प्रोटेक्टिव होता है. राइट, तो फंक्शन में दे आर प्रोटेक्टिव, एक्सक्रीशन. अब वुमेन्स कैप्सूल में है तो ऑब्वियसली दे हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन, पक्का. नेफ्रॉन में है ना, वुमेन्स कैप्सूल में है,
लूप ऑफ हेनले में पाया जाता है, सो दे आर एस्पिरेटरी इन नेचर। नेक्स्ट, अच्छा ये लंग्स में भी पाया जाता है क्या? लंग्स में पाया जाता है, ओके। इफ दे आर प्रेजेंट इन द लंग्स इट मींस दे हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज, दे हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। अच्छा जी, क्या ये सीलोम में भी पाया जाता है? सीलोम में, यस, अगर सीलोम में पाया जाता है सो दे सीक्रेट द सीलोमिक फ्लूइड, दे सीक्रेट द सीलोमिक फ्लूइड। अच्छा एक चीज समझिए, आप एक बात क्लियर हो गई ना, अगर हमें इनका लोकेशन पता है तो बहुत कुछ इनका फंक्शन पता चल जाएगा, आया ना? यस और नो? यस सर। एक बार रिमाइंड कराता हूँ फिर से, आपने सुना, फिर भी रिमाइंड कराता हूँ। दे आर प्रेजेंट इन द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एलवीओई ऑफ द लंग्स, राइट? मतलब ये लंग्स में पाए जाते हैं, तो क्या कर रहे हैं? गैसियस एक्सचेंज, सिंपल, फंक्शन क्लियर हुआ ना? अच्छा जी आगे क्या है? They are present in the wall of the Bowman capsules, descending limb of the loop of Henle of nephron of kidney. इसका मतलब, they help in the excretion. Function clear? Okay. Further क्या है? They are present in the membranous lamina, blood vessels, lymph vessels, heart, coelomic cavities, hereditary testes. है ना? इन सब में पाया जाता है। इसका मतलब ये इन सबको प्रोटेक्ट करता है। सोचिए ब्लड वेसल्स से समझिएगा, ब्लड वेसल्स, कभी हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, और अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, अगर ये प्रोटेक्शन नहीं करेगी तो ब्लड वेसल्स फट जाएंगी और पूरा हमारा बॉडी ब्लड से नहा रहा होगा, एवन देन डेथ भी कॉज होगी, है ना? तो ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हार्ट लगातार पंप कर रहा है, हार्ट में भी इतना ज्यादा रिस्क आ रही है बहुत ब्लड प्रेशर की वजह से, सही है ना? तो आप इनको ये देखिए, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग अवर स्किन। लेकिन स्किन में हमारा मल्टी लेयर्ड स्क्वायर से देख लिया, ठीक है? सो दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हमने आगे पढ़ा। Is there any problem? No? Okay then. Next, simple cuboidal epithelium. As the term says, इनका structure बोले पहले, structure, they are cubical, squarish in shape, their nucleus are rounded and lie in the center. Dear students, you are running out of time, so ab ye next topic hum nahi cover kar rahe abhi, okay, because aapka time run out ho gaya hai aur mujhse se mai do saal mein nahi kar paunga isme, to next class jaise hota hai main aapko simple ke bare mein detail batata hu, abhi agar isme kahi koi doubt hai to fir pooch liya। Is there any doubt? No, sir. No? No, sir. Type your answer because I'm not able to listen to you. Dear Tripathi, you may type the question. No, sir. No confusion. Sorry, your voice is not audible. You may type the answer, that question. ओके, नो क्वेश्चन। अच्छा जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर बीच में कोई क्वेश्चन आता है, आप मुझे बीच में नहीं रोकना चाहते हैं, तो आप सिंपल क्वेश्चन को आप मुझे भेज दीजिए मैसेज में, मैं रीड अप करूँ और उसका आंसर दे दूँ, ठीक है ना? ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।